आने वाले समय में गेहूं के दामों में आ सकती है नरमी। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, केंद्र सरकार ने अचानक गेहूं का निर्यात बंद कर दिया है। इस कारण से आने वाले अब दिनों में गेहूं के भाव टूट सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अचानक गेहूं का निर्यात बंद करने किए जाने से शनिवार को स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अभी तक गेहूँ 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल खरीद कर उसे निर्यात एजेंसियों को दे रहे व्यापारी, अब आने वाली है मुश्किल। अब गेहूं का भाव गिर जाएगा, ऐसे में व्यापारी ऊपर के दाम पर गेहूं नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि निर्यात बंद हो गया है। निर्यात एजेंसियां अब गेहूं नहीं खरीद पाएगी। इस साल गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते पूरे विश्व में गेहूँ की डिमांड बढ़ गई थी, इस कारण से भाव बढ़े और निर्यात भी अधिक हुआ। खाद्य सुरक्षा और सरकारी खरीद भी अब की बार कम हुई है। अब की बार निर्यात के कारण मंडी में गेहूं का दाम 2300 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल सभी मंडियों में बना रहा। सरकारी खरीद 2015 रुपये पर होने पर सरकार अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई है और अब भाव में नरमी आने के बाद सरकार के गेहूं खरीद का टारगेट भी पूरा हो जाएगा और किसानों को भी MSP पर गेहूँ बेचने पर कुछ अच्छा भाव मिल पाएगा। समर्थन मूल्य की खरीदी अब 31 मई तक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पहले 15 मई निर्धारित था, अब 31 मई कर दिया गया है। अब भाव गिरने पर किसान सरकारी खरीद पर गेहूं बेचेंगे और सरकारी खरीद का टारगेट भी पूरा हो जाएगा।